दिवाली के दिन उत्तराखंड से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां उत्तरकाशी में चारधाम परियोजना के तहत निर्माणाधीन सिलकियारा पोल गांव सुरंग के एक हिस्से के धस जाने की वजह से 40 श्रमिकों की जिंदगी एक ही जगह कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि इस समय सभी सुरक्षित जरूर हैं, उन्हें पाइप के जरिए ऑक्सीजन, खाना और पानी पहुंचाया जा रहा है। इन श्रमिकों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। देहरादून से ऑगर ड्रिलिंग मशीन रात 3 बजे पहुंची। इस मशीन को स्थापित करने का काम लगातार चल रहा है। इसके अलावा श्रमिकों को निकालने के लिए हरिद्वार व हैदराबाद से 900 mm के पाइप भी पहुंच गए हैं। टनल में फंसे हुए मजदूरों तक मंगलवार यानी आज पहुंचने की संभावना जताई गई है। इससे पहले सोमवार को खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने वहां पर पहुंचकर पूरी स्थिति का जायजा लिया। यहां पर तेजी से जो बचाव का काम है, रेस्क्यू का काम है, मलबा हटाने का जो काम है वो तेजी से चल रहा है। और यहाँ पर चूंकि कंप्रेसर के माध्यम से उनको खाने के लिए भी जो लोग अंदर है, खाद्य सामग्री भी अंदर भेजी गई है और सभी लोग अभी पूरी तरह से ठीक हैं। उनसे लगातार यहाँ पर बात भी हो रही है, इसलिए हम आश्वस्त हैं कि जल्दी से जल्दी ये रेस्क्यू पूरा कर लिया जाएगा। और जो भी विशेषज्ञ हैं उन सभी से बात हो रही है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगातार इसको लेकर गंभीर है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, हमारे रेलवे मंत्री जी ने स्वयं सभी लोगों से बात की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत विस्तार से इस सारे घटनाक्रम की जानकारी ली है और उन्होंने हर संभव हमको भरोसा दिया है कि हम पूरी मदद करेंगे। और मैं सभी जो हमारे भाई अंदर हैं उनके पारिवारिक जनों से भी कहना चाहता हूँ कि हमारा हर संभव प्रयास है कि उनको सुरक्षित जल्दी से जल्दी बाहर निकालें।